अभी हम फिर सोचते हैं कि आफ्टर मार्केट करा ले, बंदा आफ्टर मार्केट कराता है तो आफ्टर मार्केट में जो मेनली इशू आता था वो यही आता था जिसके लिए आज मैं यहाँ पे आपके पास बैठा हुआ हूँ। हमें यहाँ पे कि क्या ओरिजिनल है क्या लोकल है हमें उसका डिफरेंस पता ही नहीं होता था। मैं डिफरेंसेस समझाने के लिए तैयार हूँ सर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो भी मिलेगा अपने को विद बिल के साथ मिलेगा भैया? जी बिल्कुल। और जेन्युइन की पूरी गारंटी ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी चेक कराओ। तो गाइस ये सब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अभी अभी यहाँ पे जो है इनका स्टॉक उतरा है ह्यूंडई का सारा जेन्युइन। ये यहाँ पे आप पार्ट्स देख सकते हैं, ये भैया यहाँ पे अभी ओपन कर रहे हैं। साइड में मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये। अच्छा इसमें ये मतलब जो है कितना इसमें, ये दो तीन चार कितने चार थे सर? ये कंपनी पैक करके भेजती है, इसमें दो तीन बम्पर आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ह्यूंडई का यहाँ पे जो भी मिलेगा सारा आपको सब कुछ जेन्युइन मिलेगा, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है विद बिल आपको मिलेगा जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो गाइस आज हम आ गए हैं ह्यूंडई जेन्युइन पार्ट शॉप पे, यहाँ पे आपको सारे जो है वो जेन्युइन पार्ट्स मिलने वाले हैं। तो शॉप के अंदर चलते हैं, भैया से बात करते हैं। कैसे हैं भैया? तो गाइस ये है ओनर, तो एक बार शॉप के अंदर चलते हैं और भैया से बात करते हैं। तो गाइस ये हम आ गए हैं शॉप के अंदर, देख सकते हैं आप ह्यूंडई के पूरा सब स्टॉक यहाँ पे लगा हुआ है, सब पे लेबलिंग वगैरह जो ह्यूंडई की आती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो भी मिलेगा अपने को विद बिल के साथ मिलेगा भैया? जी बिल्कुल। और जेन्युइन की पूरी गारंटी ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी चेक कराओ भाई, इससे बड़ी बात तो नहीं मिल सकता। और इसी के साथ साथ मैं देख रहा हूँ भैया ये कुछ ऑयल वगैरह भी आप रखे हुए हो? कैस्ट्रॉल, सिर्फ कैस्ट्रॉल डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। अच्छा, वो भी इसलिए कि आपका वन रूफ में सॉल्यूशन हो जाए, जैसे मेनली वो है कि सर्विस वगैरह का मतलब बंदे को इधर उधर भटकना ना पड़े, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो कैस्ट्रॉल के अलावा हम कुछ और नहीं रखते, ब्रांड रखते भी नहीं हम सर। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है गौरव। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। तो गाइस आज आप देख रहे होंगे कि हम फिर से एक जगह बैठे हैं और पीछे इतना सारा आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। किस चीज का स्टॉक है, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो कुछ लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम लास्ट टाइम कहाँ पे थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस पीछे जो आप सारा स्टॉक देख रहे हैं ये है हमारा सारा ह्यूंडई का स्टॉक, और मैं किसी सर्विस सेंटर में नहीं बैठा हूँ, मैं किसी शोरूम में नहीं बैठा हूँ, हम आफ्टर मार्केट जो हमारी शॉप्स होती हैं वहाँ बैठा हूँ। लेकिन जहाँ भी बैठा हूँ यहाँ पे आपको सारा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल जेन्युइन ऑथराइज 100% मतलब जेन्युइन मिलने वाला है। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ आज की वीडियो में जो जुड़ेंगे वो हमारे भैया हैं, भैया का वेलकम करते हैं, भैया का नाम पूछते हैं, कितने टाइम से इस फील्ड में है, और मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है कितना जेन्युइन है, क्या श्योरिटी है, वो सब के बारे में हम भैया से बात करेंगे। तो भैया वेलकम टू माय चैनल। तो भैया सबसे पहले व्यूअर्स को नाम बता दीजिए। अभिषेक मिश्रा सर। तो मतलब आपका जैसे अगर मैं बात करूं तो भैया का जो ये काम है वो आपको 4 साल हुआ है ये स्टार्ट करे हुए, लेकिन आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी आपका सारा ह्यूंडई का ही रहा। ह्यूंडई का, अच्छा मतलब ह्यूंडई का और ऑटोमोबाइल का ही रहा। ऑटोमोबाइल का ही रहा, मतलब जैसे शॉप्स वगैरह होती हैं ये हमारी स्पेयर पार्ट्स वगैरह की, कुछ आफ्टर मार्केट भी जैसे रखते हैं कि लोकल भी रखते हैं, ऐसा कुछ रखते हैं? फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, मैंने एक्चुअली असली नकली लगा रखा है अपने काउंटर के सामने जिससे कस्टमर अवेयर हो सके, उसका मैं पैकिंग आपको दिखाता हूँ जिससे बहुत हद तक आपको चीजें क्लियर होंगी। मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस अभी देखते हैं भैया हमें जो असली नकली का फर्क है, मतलब मेरे साथ साथ आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है आज की वीडियो में। और वीडियो पे बने हैं तो उसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, ऐसी ही वीडियो आपके पास आती रहेंगी। नॉर्मली ये मार्केट में चलता है जो ये लोग देते हैं, ह्यूंडई का i20 का एयर फिल्टर है ये। ह्यूंडई का i20 का एयर फिल्टर, एयर फिल्टर ये है नॉन जेन्युइन। इसकी चेंजेस मैं बता सकता हूँ, डिफरेंसेस बता सकता हूँ जो कि थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है? और ये ह्यूंडई जेन्युइन है। ओके, लेकिन गाइस अगर आप पैकिंग देख रहे होंगे तो यार मतलब कि लाइक अगर नॉलेज नहीं है तो यार अगर मुझे ये जो मेरे हाथ में है ये मतलब लाइक ये लोकल वाला है, लोकल मतलब, वाला लग तो बिल्कुल पैकिंग ऐसी रही है कि जैसे ओरिजिनल है, और ये वाला हमारा ओरिजिनल वाला है। तो भैया बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा आप हमें गाइड करेंगे? सर ये आप देखो, ये जो फर्स्टली जो चार डिफरेंसेस होते हैं इन स्टिकर, फर्स्ट कभी भी कोई भी ह्यूंडई का जेन्युइन पार्ट हो उसमें मॉडल नहीं लिखा होगा, पहली चीज। मॉडल अगर लिख दिया तो वो वहीं पे गलत, ठीक। देन आफ्टर इसका एक स्क्रैच बार होता है, वो आप लोकल में स्क्रैच करोगे नहीं होगा, और जेन्युइन में स्क्रैच करोगे आपको होगा, मतलब आप इसको स्क्रैच करो नहीं होगा।
ये जो हमारी आप लाइक सिल्वर कलर की ये देख रहे हैं, भैया बोल रहे हैं इसको स्क्रैच करते हैं, तो एक बार मैं स्क्रैच कर ही देता हूँ भैया, प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं जेन्युइन हूं, मुझे किसी मैं एक बार मैं स्क्रैच करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। इनके नीचे लिखा हुआ आता है थैंक यू फॉर यूजिंग हुंडई जेन्युइन पार्ट, और नॉर्मली इनमें नहीं लिखा हुआ आता है। क्या बात है, क्या बात है, ये देखिए गाइस, ये मैंने यहाँ पे पूरा आई डोंट नो कितना जस्टिफाई कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये मैंने पूरा स्क्रैच करा है, तो यहाँ पे ये लिखा है थैंक यू फॉर यूजिंग ह्युंडई जेन्युइन पार्ट्स। और इसको आप स्क्रैच करके एक बार देखो यार, ये स्क्रैच भी नहीं हो रहा और ये फट भी फट जाएगा, ये आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्क्रैच कर रहा हूँ, मतलब स्क्रैच ही नहीं हो रहा है, जैसे पेपर होता है थोड़ा सा स्क्रैच करा और ये फट गया, तो अच्छा ये भी एक था। देन आफ्टर सर आपने कुछ वो नाम का बता रहे थे ब्रांड का, ये जो i20 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कभी भी Hyundai के स्टिकर पे मॉडल नहीं लिखा हुआ आएगा, सिर्फ पार्ट नंबर रहेगा सर। फिल्टर एयर क्लीनर आप देख सकते हैं, तो यार ये भी आपको देखने को काफी अच्छी चीज मिली है। थर्ड डिफरेंस है सर राइटिंग, इनकी इंक राइटिंग है, इसकी डिजिटल राइटिंग है, आप वो भी डिफरेंस मतलब क्लैरिटी का ना, वो ये बात तो है कि आई डोंट नो कि कैमरे पे उतना जस्टिफाइड वो दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो वो फर्क आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये कैसे मतलब लाइक ये ना थोड़ा ऐसा भी हो रहा है कि जैसे मिस प्रिंट टाइप सा हो जाता है ना, और ये बिल्कुल लाइक पूरा डिजिटल वाला मतलब पूरा क्लैरिटी के साथ आपको देखने को मिल रहा है। बाकी सबसे बड़ी बात भैया ने तो ये बताया ही था, स्क्रैच करके आप देख सकते हैं इसी के साथ साथ, और भैया ये जो है आपने ये चीजें बताई हैं ये सभी पार्ट पे है, मतलब ये जो लाइक स्क्रैच करने वाला अगर किसी को डाउट होता है कि मतलब ये हर तरह के सॉरी ये जो स्ट्रिप है वो हर पार्ट्स पे लगी होती है, हर पार्ट्स पे होती है सर नॉर्मली, कोई भी अपना चेक कोई भी पार्ट पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी है जो कि डीजल का ऑयल फिल्टर है, किसी भी गाड़ी में Hyundai के डीजल के ऑयल फिल्टर, इनमें भी सेम है आप मैं देख सकते हो। एक बार गेस करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये वाला लोकल है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को बताया है, आप थोड़ा क्लैरिटी से भी देख के पता लग रहा है। इनकी और... बार कोड आप देखो, बार कोड में डिफरेंसेस दिखेंगे, राइटिंग्स में देखो, राइटिंग में डिजिटल और प्रिंटिंग का इंक प्रिंटिंग का डिफरेंसेस दिखेगा, लोगो में फर्क दिखेगा, बहुत सारी चीजें होगा। नॉर्मली ये चीजें अगर हम कस्टमर के सामने ना रखें तो कस्टमर क्या करता है, लोकल भी उठा के लाता है और उसे लगता है कि हम डिस्काउंट काफी मिल गया, ज्यादा ज्यादा डिस्काउंट मिल गया, जबकि जेन्युइन में सर डिस्काउंट बहुत ज्यादा होते ही नहीं है। इसमें भी यार वही जेन्युइन पार्ट थैंक यू फॉर यूजिंग वाला वो चीज वाला, ये मैंने दो पार्ट पे तो अच्छे से चेक कर लिया है। अभी आपको दिखेगा मैं ट्रक अनलोडिंग भी करता हूँ तो वो भी विद बिल ही आते हैं भैया, क्या ट्रक अनलोड वगैरह तो वो भी देखा ऑल ऑफ सारा, मतलब जो भी स्टॉकिंग वगैरह मतलब ए टू जेड गाड़ी का हमें सबका यहाँ पे स्टॉक मिलेगा, बोनेट डोर कुछ भी डिग्गी वगैरह कुछ भी मैं देता हूँ। जो आइटम यहाँ से आपके मतलब पास से सेल करते हैं तो उसका भी हम बिल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल। तो गाइस सबसे बड़ी बात आपको बिल मिल रहा है, तो किसी को कैसे भी कुछ चेक करना हो कि मेरा पार्ट जेन्युइन है वो कहीं पे भी चेक करा सकता है ओपनली। नॉर्मली मैं गुड़गांव तक सप्लाई करता हूँ, ये दो ही पार्ट की बिल है, अदर बिल भी फाइल में लगे हुए हैं अगर आप देख सकते हो तो। हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह पे जेन्युइन जो है तो कुछ डिस्काउंट हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम ऑन एमआरपी सेल करते हैं? नो सर, कुछ बेस्ट डिस्काउंट होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, मतलब किसी पे लाइक किसी पे होगा किसी पे नहीं होगा कुछ ऐसा भी हो जाता है, ये चलता है सर। ओके, मतलब मोस्टली है, मोस्टली मिलता है। और सबसे बड़ी बात हम इस चीज से यार बेफिक्र हैं कि मतलब जो भी मैं खरीद रहा हूँ अपनी कार के लिए ओरिजिनल पार्ट खरीद रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल मिलता है और उसी के साथ पूरा ट्रस्ट मिलता है। बाकी भैया ने ओपनली बोला है मेरे यहाँ से जो प्रोडक्ट सेल होगा वो आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया मतलब लाइक आपको जहाँ पे ट्रस्ट हो आप वहाँ पे चेक करा सकते हैं कि मेरा जो पार्ट है वो ओरिजिनल है या लोकल है। तो गाइस मेनली जो डिफरेंस था मतलब कि शोरूम पे हमें जेन्युइन पार्ट्स मिल जाता है और वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब लाइक कि भैया 2,500-3,000 रुपए प्लस टैक्सेस वगैरह मतलब लेबर में और पता नहीं क्या क्या, तो ऐसे ही लग जाते हैं, नॉर्मल लग जाता है सर्विस का। और यहाँ पे नॉर्मली 300 रुपए में सर्विसेज कर देते हैं जो एक नॉर्मल सर्विस होती है, नॉर्मल सर्विसेज है। यहाँ पे सस्पेंशन आपके 1,200-1,400 के बीच में हो जाते हैं, जो कि कंपनी में आप 3,500-4,000 सिर्फ लेबर उसका खर्चा करके आते हो। ये तो यार छोटा सा एक एग्जाम्पल। और अगेन एक चीज और होती है सर, आप प्रोडक्ट वहाँ पे क्या किया जाता है कि आपको कम्प्लीटली चेंज किया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो प्रोडक्ट खराब है उसी को रिप्लेस किया, जो यूजेबल है वो चल रहा है सर। मेरा एक नंबर है, आप शेयर करो उस पर,
उसकी फोटो लेके भेजे। मैं यहाँ से फोटो अपनी भेजने के लिए तैयार हूँ प्रोडक्ट की, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ कि जेन्युइन है कि नहीं। डिफरेंस क्या है? डब्बे डब्बे का डिफरेंसेस मैं दिखा सकता हूँ, अंदर का क्या डाला है बंदा वो मुझे नहीं पता है, बट डब्बा मैं क्लियर कर सकता हूँ कि हाँ क्या है। सील पैक विद, यार सबसे बड़ी बात है ना, आपको यहाँ पे भैया ने पहले ही जैसा मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ से आप जो भी परचेसिंग करेंगे बिल पे काम होता है, विदाउट बिल भैया अपना काम नहीं करते हैं। तो गाइस मेन बात जो है कि यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा, जो भी पार्ट मिलेगा, बिल मिलेगा, सबसे बड़ी बात है बिल के साथ साथ आपको उसकी एमआरपी पे भी डिस्काउंट मिल रहा है। तो और जेन्युइन का भैया ने आपको डिफरेंस यहाँ पे बता दिया है, बाकी आपके पास बिल होगा, आपको अगर क्रॉस चेक भी किसी से करवाना है वो आप क्रॉस चेक अपना करवा सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो को केवल इतना ही रखते हैं, बाकी यहाँ की जो डिटेल है सारी डिस्क्रिप्शन में, भैया का नाम, नंबर, शॉप का एड्रेस, गूगल लोकेशन सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर फिर भी कुछ आपको क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, तो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो गाइस अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे मैं नंबर भैया का दे दूंगा और आप भैया को कॉल कर सकते हैं। भैया कॉल टाइमिंग बता दीजिए क्योंकि कितने बजे तक कम्फर्टेबल रहेगा? आप 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में एनी टाइम कॉल करो। और हमारा कोई ऐसा दिन ऐसा होता है कि शॉप क्लोज रहती है किसी दिन? सर अभी तो नहीं है, अभी तो लॉकडाउन नहीं है, आफ्टर लॉकडाउन कोई भी दिन नहीं है, 7 डेज ओपन है और 2 बजे से 5 बजे तक भैया जी बिल्कुल 2 से 5 में आप कॉल करिएगा और जो भी आपकी क्वेरी है भैया से पूछ सकते हैं। पार्ट के लिए आपको पूछना है कि लाइक जो भी है क्वेरी वगैरह, मतलब लाइक कि आपको यार सामान तो सारा मिल जाना है। मेरा बिल 100% क्लेमेबल है इंश्योरेंस सेक्टर में, ओके, तो उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है, आप कहीं भी चेक कोई भी सर्वेयर उस पर नहीं काट सकता कि मतलब ओके ये है सर। और मेरे पास खुद का बम्परों का स्टॉक 300 बम्पर्स अप्रोक्स है, जो कि सर वीडियोस भी दिखाएंगे कि क्या क्या है मेरे पास, तो वो बोनट डिग्गी सब कुछ मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत उनका भी स्टॉक है आप देख सकते हो, बाकी मैं हर एक चीज प्रोवाइड कराता हूँ। A to Z सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर यार अगर बाय चांस कभी कुछ ना हो तो वो भैया वो अरेंज करा देते हैं। यहाँ पे आपको केवल ह्युंडई से रिलेटेड सारा मिलने वाला है। और एक आपको याद होगा वीडियो से स्टार्टिंग से पहले मैं गुड न्यूज की बात कर रहा था, तो भैया हम अभी कुछ और भी नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। मेरी एक और शॉप है जो अभी हफ्ते दिन पहले स्टार्ट हुई है, टाटा एंड होंडा जी। तो जिस तरीके बट क्लियरली मैं बताता हूँ, उसमें टाटा मेरी जो है ऑथराइज है, होंडा मेरा ऑथराइज नहीं है, क्योंकि होंडा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बैक एंड से मटेरियल नहीं आ पाता है, वो ऑथराइजेशन बाहर नहीं देती है, बट हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम पार्ट जेन्युइन रख पाए उसमें, वो अलग शॉप है मेरी, यहाँ पे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये ऑथराइज शॉप है। तो भाई वो उसका पूरा भैया ने आपको पूरा बता दिया है क्या है, उसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, टाटा का भी आपको जेन्युइन मिलेगा, होंडा का भी भैया जो जितना पॉसिबल कर पाएंगे तो वो भी आपको, मतलब ये भैया जो है वो केवल जेन्युइन पार्ट्स में ही डील करते हैं, लोकल पार्ट्स में वो लोग डील ही नहीं करते, सॉरी लोकल पार्ट्स में भैया डील ही नहीं करते हैं। तो अभी टाटा और होंडा का वेट आप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।